हे भगवान, अब आप ही कोनो रास्ता दिखाइए। हमरा मरद तो सठिया गए, पता नहीं आज का होगा। हाय भगवान, देखो जी, हमको ये सब ठीक नहीं लगा है। पता नहीं पीने के बाद क्या होगा। टेंशन मत लो, पीने के बाद हिम्मत आ जाएगा। और ये लो, एक घूंट में पी लो। तुम सोच लो, बता रहे तुम्हें। यो। अब एक काम करो, मालिक को जाके खुश कर दो। जाओ जाओ। अरे सोच क्या रही है, जाओ। जा रहे। लगता है अब मेरा काम हो जाएगा। प्रताप, अकेलापन भी क्या कमीन चीज होती है। कोई हो साथ तो पेट पीजी का भी मजा आता है। सेठ जी, आप कहें तो पैक हम बना दें। अरे क्यों, आप बनाएंगे? हाँ हम बनाएंगे। अरे फुलवा, क्या हुआ? अरे क्या बताए मालिक, दिन रात घर का काम करके हमारा पूरा बदन टूट रहा है। और हमारा मर्द, उसको तो हमसे कोई लेना ही देना नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता तो जाके मसाज कराते। जाते हैं। हम तेरी मालिश कर देते हैं। अरे मालिक, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे मालिक हैं, हमें पाप लगाइएगा क्या? ओहो फुलवा, हम मालिक हैं वो तो सही है, लेकिन इंसानी रिश्ते भी कोई चीज होती है। चल हम तेरा मालिश कर देते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि रामू को अपनी पत्नी को शराब पिलाकर अपने मालिक के पास भेजना पड़ा? एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? क्या इस तरह की नीच हरकत पहले भी हुई है? नमस्कार, मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम की दुनिया में। मालिक, मालकिन और नौकरानी की इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। मैंने जैसा कहा है ना, पेपर उसी तरह से बनना चाहिए। जी ठीक है, चलिए मैं बाद में फोन करता हूँ। नमस्ते जाना जी। अरे नमस्कार रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको समझाने आया हूँ चाचा जी। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया तू मुझे समझाएगा? देखिए चाचा जी, ये कोर्ट कचहरी जाकर कोई फायदा नहीं है, इसमें आपकी और हमारे परिवार की बदनामी है। जो मेरा हक है वो मुझे दे दीजिए। देखिए मेरे दो बच्चे हैं और आप तो कुंवारे। यानी तेरे कहने का मतलब है कि मैं इस उम्र में शादी नहीं कर सकता। चलो मान लिया मैंने शादी नहीं की, गरीबों को दान दे दूंगा मगर इस प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इसका मतलब आप शराफत से नहीं मानेंगे।
मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मुझे धमकी दे रहा है? अरे जा, तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ लेना, नहीं देता कुछ भी। इस थप्पड़ को मैं भूलूंगा नहीं चाचा जी। अब आप देखना मैं आपके साथ क्या करता हूं। रवि, ये जो प्रॉपर्टी बनाई ऐसे नहीं बनाई, ऐसी बहुत सारी धमकियां सुन चुका हूं मैं। जा, तेरे को जो करना कर लेना, मगर एक बात याद रखना, अगली बार अगर मेरे घर के आस पास भी दिखा ना तो सलाखों के पीछे होगा तू। अभी तो जा रहा हूं चाचा जी, लेकिन याद रखना। बड़ा आया याद रखना। शर्मा जी, कुछ ऐसा करो कि फुलवा और उसका पति अपने जाल में फंस जाए। कर रहे हैं मालिका? हम तुमको छू रहे फुलवा। हम तो हमेशा सोचते रहते हैं कि रामू ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा मोती दान किया था जो तुम उसको मिली। रामू, फुलवा, हम तुमको हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रामू जी, रामू जी, रामू जी। अरे क्या हुआ फुलवा? क्या पता है हम आपको, हमें बहुत डर लगता है। हमें तो ऐसा लगता है मालिक हमारे साथ कोई कांड कर दे। फुलवा, मालिक के हम पे बहुत एहसान है। उन्होंने मेहरबानी की है कि हमें काम पे रखा और रहने को छत भी दी, पता है, और बोला गांव वाला कर्जा भी उतार देंगे। थोड़ा बहुत घूरते हैं तो क्या हुआ है? एक काम कर, अभी जा पूछ ले क्या खाना है मालिक को। जाओ बना दो। खड़ी क्या है? सेठ जी, सेठ जी, बाप रे, भगवान, इतना सारा पैसा। ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं। हमारे? हाँ, मगर तू चाहती नहीं है इसको अपना बनाना। अरे नहीं सेठ जी, इतने सारे नोटों को कौन अपना बनाना नहीं चाहेगा। ये ले, रख ले। अरे रख ले, मगर आज की रात तुझे मेरे साथ सोना होगा। आपके साथ? अरे पगली, मैं तो तुझे पहले दिन से ही पसंद करता हूँ। अरे सोच क्या रही है, रख ले। धन्यवाद सेठ। कौन कहता है इंसान बिक नहीं सकता।
मालिक क्या खाएंगे दिन में, बना दो ना। इतने सारे पैसे मालिक ने दिए हैं। लगता है मालिक मेहरबान हो गए तुम पे। हाँ, लेकिन आज रात तू हमें अपने कमरे में बुलाए और हम नहीं जाना चाहते। अरे, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा और हमारा कर्जा भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम नहीं जाना चाहते पराए मर्दों के पास, हमारी हिम्मत नहीं होती। अरे तुम टेंशन मत लो, हिम्मत हम पैदा कर देंगे, बस तुम तैयार हो। लालच एक बुरी बला है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आते। रामू भी उन्हीं में से एक था। पैसों के लालच में उसने अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दिया था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि ये लालच उसकी जान भी ले सकता था। आखिर क्या और कैसे हुआ इस कहानी का अंजाम, आइए देखते हैं। क्या बात है शर्मा जी, यो अचानक अर्जेंट क्यों बुला लिया? वो मेरी प्रॉपर्टी की जो पेपर्स है, आपने सब फुलवा के नाम कर दिए ना? हाँ वो तो कर दिए, वैसे एक बात कहनी तो नहीं चाहिए, मैं आपका सिर्फ वकील नहीं दोस्त भी हूँ। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या वजह थी कि आपने ये प्रॉपर्टी फुलवा के नाम कर दी? प्यार वकील साहब, प्यार। बुरा मत मानिएगा, आप इतने पैसे वाले रईस आदमी, इस उम्र में भी आपको अच्छे खासे रिश्ते मिल सकते हैं, फिर क्या जरूरत पड़ी कि अपने नौकर की बीवी के साथ? मैं मानता हूँ वकील साहब की इस उम्र में भी मुझे अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, लड़कियां मिल सकती हैं, कुंवारी, लेकिन क्या है ना वकील साहब, प्यार भी कोई चीज होती है, बस प्यार हो गया और वैसे भी फुलवा उसको तलाक देने वाली, मैं उसको आपके पास ले आऊँगा, पेपर तैयार करवा लीजिए तलाक के, वो साइन कर देंगे। ठीक है, पर हाँ एक बात बताना मैं भूल गया था, रवि आया था। रवि आपके पास आया था? जी हाँ, वो आपके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहता है। अरे तो जाने दीजिए ना वकील साहब, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैंने ऐसी थोड़ी बनाई है, मेरी मेहनत की कमाई है, इसमें से टूटी कौड़ी नहीं देने वाला किसी को मैं, उसको जो करना कर लेने दीजिए। ठीक है, कल मुलाकात होती है। नमस्कार। नमस्कार वकील साहब। अरे फुलवा कहाँ जा रही है? हम अपने नए गहने लेने जा रहे हैं। नए गहने? मगर तूने कब बनाए? अरे हमने कहाँ बनाया, वो तो सेठ जी ने बनवाया है। और सुनार हमारा इंतजार कर रहा हो, हम जा रहे हैं। तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों बताऊँ तुझे? तेरा मतलब क्या है? अब हम तुम्हें तलाक देकर सेठ जी से शादी करने वाले हैं, और उन्होंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी हमारे नाम कर दी है। अच्छा, तो ये कमीना सेठ मेरी गृहस्थी बर्बाद करना चाहता है? मगर पता नहीं तुम दोनों को, मैंने छुप कर तुम दोनों का वीडियो बनाया है। अरे पागल हो गई क्या? पागल तो तू है रामू, जब तू मेरा और सेठ जी का वीडियो बना रहा था ना, तभी मुझे तुझ पर शक हो गया था, फिर मैंने वो वीडियो तेरे मोबाइल से उड़ा दिया। देख देख अपना फोन देख। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। सेठ जी, ये क्या किया आपने? अरे फुलवा, तुझे जान से मार देता और मैं तेरे से प्यार करता हूँ फुलवा। दोस्तों, फुलवा ने जब रामू को बताया कि उसका मालिक उसे ताड़ता है, तो रामू के मन में ये विचार आया कि वो इसका फायदा उठाकर अपना कर्जा चुका सकता है।
उधर प्रताप भी जवान नौकरानी के यौवन पर इस कदर कुर्बान हो गया कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी नौकरानी के नाम कर दी और बिना अंजाम सोचे उसने अपने ही नौकर रामू का कत्ल कर दिया और बुढ़ापे में गुनहगार बन गया। दोस्तों, आपने सोचा है कि उसका बाकी का जीवन जेल में कैसे बीतेगा? जेल जो एक नर्क के समान होती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अपने संस्कारों को ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे एक नई अनकही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। यार वो मैं अपने इलाज के लिए शहर आ रहा था तो मेरी बेटी है ना, उसने भी शहर कभी देखा नहीं है तो सोचा उसको भी साथ लेता हूँ। वाह, ये आखिरी प्यास थी आपकी।